अदर एग्जाम्पल अबाउट रिकर्सन प्रोसेस, प्रीवियस केस में जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे सभी एग्जाम्पल्स के केस में फंक्शंस का रिटर्न टाइप यूज किया था ऑलवेज वर्ड, बट इन दैट केस फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप एज इंटीजर। इन दैट केस प्रीवियस केस में फंक्शंस को कॉल किया था इंडिपेंडेंटली, लेकिन इस केस में फंक्शन एवरी टाइम रिकर्सिवली कॉल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। जब इस टाइप का रिकर्शन किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व होता था ना, आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को किस टाइप से सॉल्व करोगे, इसलिए प्रोवाइड किया मैंने गिवन एग्जांपल्स। लेट्स सी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें फ्रॉम मेन फंक्शन, देन मेन फंक्शंस के अंदर क्रिएट होगा लोकल वेरिएबल रिजल्ट, देन रिजल्ट के केस में कॉल किया होगा फंक्शन एफ विद आर्गुमेंट 4। वन मोर थिंग्स, इस प्रोग्राम को स्टैक के फॉर्म में भी बनाना पॉसिबल है, प्लस ट्री के फॉर्म में बनाना पॉसिबल। अगर आप ट्री के थ्रू बनाओगे देन आपके लिए ईजिली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। सेम डायग्राम में इंप्लीमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ ट्री। सबसे पहले कॉल किया रहा फंक्शन एफ विद आर्गुमेंट 4। वन मोर थिंग्स, जैसे ही फंक्शन कॉलिंग कंप्लीट होगा देन इसका रिटर्न वैल्यू आसानी के समझ जाएगा लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन फंक्शन इन साइड रिजल्ट, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनली सबसे पहले स्टैक के टॉप में मेन फंक्शन के पास नेक्स्ट एंट्री किसके लिए हुआ, फंक्शन एफ के लिए हुआ, आर्गुमेंट वैल्यू एज 4। देन प्रोसेस करें इस केस में फंक्शन एफ। वन मोर थिंग्स, प्रीवियस केसेस में किसी भी फंक्शन के अंदर या तो 2 स्टेटमेंट्स थे या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट, लेकिन इस केस में ओनली सिंगल स्टेटमेंट फाउंड रहा है, या तो इफ कंडीशन चलेगा या फिर एल्स। इफ चलेगा उसके इसमें सिंगल स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है, और एल्स बॉडी में भी ओनली सिंगल स्टेटमेंट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, बिकॉज फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर। इन दैट केस आप श्योर हो जब तक एन का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता तब तक कंडीशन एवरी टाइम ट्रू रहेगा, तो एवरी टाइम एग्जीक्यूशन इसका गिवन एक्सप्रेशंस, जहां भी एन पुट किया एन के प्लेस पर एन वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 4। फर्स्ट टाइम कंट्रोल कहां सेंड होगा, हेडर ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ के केस में फर्स्ट टाइम जब कंडीशन टेस्ट होगा एन का वैल्यू क्या है 4, इस कंडीशन क्या है n ग्रेटर देन 0, फर्स्ट टाइम n वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू देन इन्वॉल्व किया, इस केस में रिजॉल्व क्या करेंगे गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। वन मोर थिंग्स, इस केस में जब फंक्शन कॉल हुआ इन दैट केस नेक्स्ट लेवल में n के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू एज 4 मल्टीप्लाई अगेन कॉल किया रहा फंक्शन f, प्लस एफ के केस में अगेन एन माइनस वन, एन मीन्स 4 माइनस वन इज 3। नेक्स्ट टाइम अगेन फंक्शन कॉल होगा विद आर्गुमेंट 3। वन मोर केस, इस केस में इसे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आ गया रिजल्ट रिटर्न किसको किस प्लेस पर होगा, इन इट्स कॉलिंग प्लेस बिकॉज ऑफ जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन अगेन फिर से इस केस में इन्वॉल्व किया हुआ फंक्शन एफ, एफ के लिए नेक्स्ट टाइम कॉलिंग हो तो नेक्स्ट टाइम फिर से एफ के अंदर एन का वैल्यू कितना पास हो रहा है 3, दैट्स वाई 3 ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन टू में फिर से रिटर्न को चांस मिलेगा रिटर्न में एन के प्लेस पर, फिर से सेम एंट्री पुश करें एन का वैल्यू कितना है 3, नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 3 माइनस वन विच इज 2। नेक्स्ट वन अगेन रिकर्सली फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्सली जब फंक्शन कॉल होगा देन अगेन नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन टेस्ट करें एन का वैल्यू कितना पास हुआ इस केस में 2, दैट्स वाई अगेन कंडीशन टेस्टिंग 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन 2, 2 है तो फिर से इफ के बॉडी को चांस मिलेगा, इफ के बॉडी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या है एन मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एन माइनस वन, एन का वैल्यू 2 फाउंड हो रहा है, इसलिए राइट डाउन क्या करें 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एन माइनस वन, 2 माइनस वन इज 1। अगेन कंट्रोल का सेंड हुआ हेडर, अगेन कंडीशन टेस्टिंग 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 के इसमें कंडीशन कैसा है अगेन ट्रू, 2 है तो फिर से सेम केस में चांस मिले एन के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू 1। नेक्स्ट टाइम 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 1 माइनस 1 इज 0। नेक्स्ट टाइम फाइनली एफ का फिर से अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, नेक्स्ट टाइम का फंक्शन कॉल होगा इस केस में प्रॉपरली राइट डाउन करें लाइक दैट, this one and again this one, again this one, again this one, means किसी भी टाइप से लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम एफ में के पास होगा 0, तो अगेन कॉल होगा फंक्शन एफ विद आर्गुमेंट 0, 0 कॉल होगा देन 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन रिटर्न क्या होगा इस केस में 1, मीन्स इस केस में कॉलिंग प्लेस पर एफ ऑफ 0 फंक्शन जब कॉल हो रहा है रिटर्न क्या कर रहा है 1 इन इट्स कॉलिंग प्लेस, तो जहाँ भी कॉलिंग प्लेस पर इस फंक्शन को कॉल किया इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करा देंगे इट्स रिटर्न वैल्यू 1। नेक्स्ट टाइम
1 multiply by 1 means बार बार control previous case में return करने requirement क्यों, just because of return statement. Then again 1 multiply 1 overall result is 1. Then again इसके calling place पर क्या return होगा, result as 1. That's why we are replacing here return value as 1. 2 multiply by 1 is again final result is 2. Result क्या आएगा 2. Then 2 कहाँ return होगा, its calling place. Then again calling place पर replace करेंगे as a 2 in that place. Remove it. 3 multiply by 2 result is 6. Again इस function से calling place पर क्या return होगा, value as 6. यो multiplication क्या रहा 6. That's why 6. 6 multiply by 4 result is 24. Then again इसके calling place पर क्या return होगा 24. Finally, main function के अंदर जहाँ भी f of 4 add किया उस place पर final result क्या replace होगा 24 means in that place इसका final return value क्या 24. 24 is assigned to the variable result. Finally, result क्या value क्या print होगा इस case में, final output is result of 24. This is the final output of this program. इसे जब भी इस type का program कहीं expressions के form में recursively कोई function call होता है, इस type से process करना possible है. इधर final result. Real में देखा जाए program किसका है, calculating factorial of given number using recursion. Means इस case में 4 pass किया था, 4 का factorial क्या 24. अगर आप same case में 5 pass करो तो result क्या आएगा 120.